क्या आप भी मोबाइल नंबर पोर्ट करना चाहते हैं, आप अपना मोबाइल नंबर बदलना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल नंबर को पोर्ट करेंगे, कैसे बदलेंगे घर बैठे आप अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से। सुभाष, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से, किस तरीके से आप मोबाइल नंबर को पोर्ट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर को बदल सकते हैं। अभी के टाइम में ऐसा होता है कि अगर आप जियो का जो सिम है काम नहीं करता है तो आप चाहते हैं कि हम एयरटेल ले लें। अगर आपका एयरटेल है और आप चाहते हैं कि हम वोडाफोन को ले लें, वोडाफोन में भी पोर्ट कर सकते हैं। अगर आपका वोडाफोन है, आप चाहते हैं आइडिया, या आप चाहते हैं BSNL, या आप कोई भी सिम चाहते हैं, तो वो आप जो है मोबाइल नंबर को उसमें पोर्ट कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी सिम है तो। जैसे अभी के टाइम में अगर आप जियो का लेते हैं तो जियो का सर्विस जो है बहुत ही ख़राब चलता है, इंटरनेट तो चलता ही नहीं है। तो अगर आपका जियो का है, अगर आप सोच रहे हैं कि हम एयरटेल का ले लें, अगर आपका एयरटेल के है, अगर आप चाहते हैं कि आइडिया वोडा ले लें, तो वो आप मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से किस तरीके से अपने मोबाइल नंबर को कैसे पोर्ट करेंगे, यही आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा। अगर यही आप जो है साइबर कैफे या आप दुकान वाले के पास जाइएगा तो वहाँ पे आपको 100 से 150 रुपीज़ ले लेगा और वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि भैया अभी आपको ज़रूरत है मोबाइल नंबर पोर्ट कराने का, आपका नेट ही नहीं चलता है, या आपको नेट चलता है तो बहुत स्लो काम करता है, तो आप परेशान हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि मैं अपना मोबाइल नंबर को पोर्ट करूँ, बदलूँ, तो वो आप कैसे घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से कर सकते हैं। तो वो सब आप इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीख जाएंगे कि किस तरीके से मोबाइल नंबर को पोर्ट किया जाता है, मोबाइल नंबर को कैसे बदला जाता है घर बैठे। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा, तभी आप सीख पाएंगे कि कैसे मोबाइल नंबर को पोर्ट किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउज़र में डालेंगे 10DG तो आपको कुछ इस तरीके से लिंक मिल जाएगा। आप पहले वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी सिटी चूज कर लेना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सिम डिलीवरी इन 2 आवर, तो पहले जो है पॉपुलर सिटी में ये डिलीवरी दी जा रही थी, बट यहाँ पर अब इतने सारे सिटी में डिलीवरी दी जा रही है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे और हैदराबाद में पहले पॉपुलर सिटी में डिलीवरी दी जा रही थी, बट अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑल सिटी, यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारी सिटी में डिलीवरी दी जा रही है। अगर आपका जो इस सिटी में अगर आपका होम है, घर है, तो अगर आप डिलीवरी लेना चाहते हैं तो सिंपली आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसमें से अगर कहीं से नहीं लेना चाहते हैं और अगर आप इसी में से लेना चाहते हैं तो आप इसमें से कहीं भी चूज कर सकते हैं। अगर आपका शहर या गांव या घर आपका इसमें से अगर कहीं है तो सिंपली आप इसमें से चूज कर सकते हैं। तो यहां पे मैं जो है सिटी यहां पटना चूज कर लेता हूं। तो यहाँ से सिम कार्ड परचेज करना बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रीपेड, पोस्टपेड और पोर्ट नंबर और इसके बाद फैंसी नंबर, तो आप इसमें से जो भी नंबर आप लेना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, इसको चूज कर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है जियो का प्लान है, एयरटेल है, VI का है, तो आप जिसमें से जो भी लेना चाहते हैं, जिसमें भी लेना चाहते हैं तो आप इसमें से प्लान भी चूज कर सकते हैं। चलिए जैसे मैं यहाँ पर प्रीपेड लेना चाहता हूँ तो सिंपली आपको क्या करना है, प्रीपेड वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आप चूज कर लेंगे कि कौन सा सिम कार्ड लेना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है जियो, एयरटेल, VI, तो आप इसमें से जो भी सिम कार्ड लेना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ एयरटेल लेना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इस एयरटेल पर क्लिक करूँगा, आप एयरटेल के यहाँ पूरा प्लान आपको ओपन होकर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप पॉपुलर सिम कार्ड लेना चाहते हैं तो पॉपुलर पर क्लिक करेंगे तो पॉपुलर का पूरा प्लान यहाँ पर आपको ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका प्लान भी दे रखा है, यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो है 28 दिन का जो है प्राइज है 297 रुपया, तो उसका यहाँ पर जो 1.5 GB पर डे के हिसाब से यहाँ पर दिया जा रहा है। तो सिंपली अगर आपको ये लेना है तो, या अगर अदर कोई और लेना है तो उसको आप सिंपली सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे में हमको ये प्लान लेना है तो सिंपली हम सेलेक्ट प्लान पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको सामने कुछ इस तरीके से पूरा डिटेल ओपन होकर आ जाएगा।
अब आपको करना क्या है, यहाँ आपका पूरा फुल्ली अब जो पूरा नाम है वो डाल देना है, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना है, यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर डाल देना है, इस मोबाइल नंबर पर आपको एक ओटीपी आएगा। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि इंटर पिन कोड, तो अपने एरिया का जो है पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डालना है, और जैसे यहाँ पर डालिएगा तो वहाँ पर जो नीचे जो लिखा के आ जाएगा इस जो पिन कार्ड है इस पर डिलीवरी अवेलेबल है या नहीं। चलिए मैं यहाँ पर डाल के देख लेता हूँ। पिन कोड डाल के जैसे सर्च कीजिएगा तो आपको यहाँ सामने कुछ इस तरीके से ये शो हो जाएगा, और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लिख के आ रहा है कि डिलीवरी ई पिन कार्ड पे अवेलेबल है, तो इसी तरीके से आपको डाल के चेक कर लेना है कि इस डिलीवरी इस पिन कार्ड पे जो आप सिम ले रहे हैं वो डिलीवरी होगा कि या नहीं होगा। इसका पूरा आपको यहाँ पर जो है अपने एड्रेस डाल देना है, एरिया अपना जो घर का है होम वगैरह का वहाँ पर पूरा एड्रेस डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर अपना टाइम चूज कर लेंगे, कौन से टाइम में आप ये आप जो प्लान है वो लेना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर टाइम स्लॉट चूज कर लेंगे कौन सा टाइम में आप लेना चाहते हैं, और यहाँ पे डेट चूज कर लेंगे कौन सा डेट में लेना चाहते हैं। इसके बाद सिंपली यहाँ पर केवाईसी के लिए एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर चूज कर लेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट आप लेना देना चाहते हैं जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी और पासपोर्ट, ई गवर्नमेंट आईडी कार्ड हो गया, जो भी लेना चाहते हैं इसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके सामने इसके बाद आपको यहाँ पूरी सिमरी आ जाएगी, यहाँ पर अगर आपको कूपन कोड है तो कूपन कोड डाल के हम सिंपली अप्लाई कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपके डोर पे एक एक्जीक्यूटिव आएगा, एक्जीक्यूटिव यहाँ पे आपको यहाँ पे केवाईसी करेगा, केवाईसी करने के बाद आपको आपको सिम आपको हैंड ओवर कर देगा, आप उसी टाइम उसको पेमेंट कर सकते हो, या यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पे जो पे एंड डिलीवरी, तो आप इस तरीके से यहाँ पेमेंट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हो गया गूगल फ़ोनपे या इसके बाद पेटीएम हो गया, तो इस तरीके से इसको चूज करके अभी आप कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे ऑर्डर नाउ पर क्लिक कीजिएगा तो आपका ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप एक पोस्टपेड सिम कार्ड परचेज करना चाहते हो तो सिंपली पोस्टपेड वाले पर क्लिक करेंगे, तो पोस्टपेड के भी अपने ही फायदे होते हैं, जैसे कि पहले आप इसमें यूज करते हैं फिर आपको बाद में पैसा देना होता है। इसी तरीके से इसमें कैरी आउट का ऑप्शन भी होता है, जैसे मतलब कि जैसे अगर आपको 5 GB डेटा मिलता है और आप उसमें 2 GB डेटा यूज़ करते हैं और 3 GB डेटा आपको जो रह जाता है तो आपको डेटा जो बर्बाद नहीं होगा, आपको जो 3 GB जो डेटा है वो आपको पीछे नेक्स्ट महीने में आपको उस 3 GB डेटा को ऐड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ भी एक प्लान चूज कर लेंगे, जो भी आपको जो भी आप सिम लेना चाहते हैं। इसके बाद सिंपली आपको जो सेलेक्ट है प्लान वो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद उसी तरीके से यहाँ आपको फुल नाम डाल देना है, यहाँ ईमेल आईडी, यहाँ मोबाइल नंबर, इसके बाद यहाँ पे जो दे रहे हैं आपको पिन कोड डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे स्टेट आ जाएगा, यहाँ पे आपका जो सिटी, इसके बाद यहाँ पे अपना डेट सेलेक्ट कर लेंगे कौन से डेट में आप सिम लेना चाहते हैं, यहाँ टाइम स्लॉट चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ अपना केवाईसी के लिए यहाँ एक डॉक्यूमेंट चूज कर लेना है। इसके बाद उसी तरह आप जो एक्जीक्यूटिव आपके घर पर आएगा और आपका केवाईसी करेगा और आपको जो सिम है वो आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा, और आपको यहाँ पे जो यहाँ पर जाकर आप ऑर्डर नंबर ओकर कीजिए, ये जो आपको फॉर्म फिलअप की है वो ऑलरेडी प्लेस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप अपना नंबर पोर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली पोर्ट वाले नंबर पर क्लिक करेंगे, तो इसी तरीके से अपना नंबर पोर्ट कर सकते हैं। अगर आपका सिम कार्ड है वो उस पर नेटवर्क अच्छे नहीं आते तो सिंपली अपना नंबर को किसी भी दूसरे नंबर पर पोर्ट करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, आप अगर आपका जियो सिम है उसमें जो नेटवर्क सही नहीं आता है तो सिंपली आप यहाँ पर एयरटेल पर इसको पोर्ट करा सकते हैं। अगर एयरटेल का है तो अगर इस पर नेटवर्क नहीं आता है तो सिंपली आप यहाँ पर जियो पर इसको पोर्ट करा सकते हैं। तो आप ये जो नंबर पोर्ट कराएंगे वो आपका 3 दिन के अंदर में ये नंबर आपको दूसरी जो कंपनी है उसमें पोर्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से आप चूज कर लेना कि आपको जो सिम है उस कौन से कंपनी में पोर्ट कराना चाहते हैं। जैसे चलिए आपका जियो का है, अगर आप एयरटेल में पोर्ट कराना चाहते हैं तो सिंपली आप एयरटेल को चूज कर लेंगे, और इसके बाद यहाँ पर आपको पूरी प्लान आ जाएगा। आप जो भी आप यहाँ प्लान देख लेंगे और प्लान सिंपली जो प्लान है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। तो पोर्टिंग के लिए आपको कुछ पॉइंट को ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर पोस्टपेड आप यूज़ कर रहे हो, आपके पास कोई ड्यूज है तो वो आपको ड्यूज जो है वो क्लियर होना चाहिए। अगर आप पोस्टपेड को जो इसको पोर्ट करना चाहते हैं तो इसमें जो पैसा है जो डेटा है तो इसको यूज कर लीजिए, क्योंकि अगर जो पोर्ट कराएगा तो उसमें आपको ऐड नहीं होने वाले हैं। तो इसीलिए आप जो भी पैसे है या जो भी डेटा है उसको आप यूज कर लेना है आपको। तो इसी तरीके से अगर आपने कोई नया सिम नंबर लिया है तो उसको अगले 3 महीने तक पोर्ट नहीं करा सकते हैं। अगर आपने पोर्ट कराया हुआ है तो उसको अगले 3 महीने तक उसको पोर्ट नहीं करा सकते हैं। तो प्लान चूज करने के बाद आपको सामने कुछ वही फॉर्मेलिटीज आ जाएगी, आपको पूरी फॉर्मेलिटी को पूरा करना है। जैसे यहाँ पर नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इसके बाद यहाँ पे जो है पिन कोड, इसका पूरा एड्रेस, इसके बाद यहाँ पे जो है अपना जो किस टाइम आप लेना चाहते हैं, यहाँ टाइम स्लॉट बुक कर लेना है, यहाँ केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट चूज कर लेना है। इसके बाद उसी तरह सब फॉर्मेलिटी आपको की जाएगी। इसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको क्या यहाँ पर ऑर्डर नाप आपको ओके कर देना है। कंटिन्यू करते ही आपके सामने यहाँ पे एक पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक पोर्टिंग कोड डालना पड़ेगा। पोर्टिंग कोड डालने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अपने नंबर से 1900 पर आपको यहाँ पे मैसेज करना है। तो मैसेज करने के लिए आप अपना यहाँ लिखेंगे पोर्ट और स्पेस, इसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, तो आपको एक पोर्टिंग कोड जनरेट करके दे दिया जाएगा।
तो आपको वो पोर्टिंग कोड यहाँ डालना है। इसके बाद वो डेट डालेंगे जिस डेट में आपको पोर्टिंग कोड जनरेट किया है, वो डेट आपको यहाँ से चूज कर लेना है। इससे ये होगा कि जस्ट वो अपने जो पूरी फॉर्मेलिटी है वो करके आएंगे और आपके डोर पे आके सिंपली उसको KYC करनी होगी। तो KYC करने के बाद आपको सिम कार्ड आपके हैंड ओवर कर दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर आप कोई फैंसी नंबर परचेज करना चाहते हैं तो सिंपली फैंसी नंबर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना कोई लक्की नंबर या जो भी आपका कोई नंबर पसंद हो तो वो नंबर आपको यहाँ से चूज कर सकते हैं। जो अपनी जो नंबर यहाँ पर आपको बहुत सारे नंबर यहाँ पर शो कर रहा है, इसको यहाँ पर बोला जाएगा कि फैंसी नंबर, आप इस पर भी क्लिक करके इसमें और ढेर सारा नंबर मिल जाएगा। तो आप इस नंबर को भी यहाँ से अपना चूज कर सकते हो। तो यहाँ से आप अपना लक्की नंबर या जो भी नंबर आपको पसंद है वो नंबर यहाँ पर चूज कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको और ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से जो भी नंबर आप लेना चाहते हो तो वो पूरा ऑप्शन और यहाँ से आपका ओपन होकर आ जाता है और यहाँ से अपना मनपसंद और लक्की नंबर को चूज कर सकते हैं। यहाँ से जितना भी चाहे ओपन नेक्स्ट करके अपना नंबर को यहाँ से चूज कर सकते हैं और यहाँ पर देख रहे कि उसका प्राइस भी यहाँ पर उसका शो कर रहा है। इसी तरीके से अगर आपको कोई इसमें अगर लक्की नंबर नहीं नजर आ रहा तो सिंपली यहाँ पर जाने के बाद यहाँ से भी इसको सर्च करके देखेंगे कि आपका लक्की नंबर है या नहीं। तो अगर लक्की नंबर होगा तो इसमें आ जाएगा, नहीं होगा तो कोई नहीं आएगा। तो आपको इसमें से ही आपको चूज कर लेना होगा। अगर इसमें आपका लक्की नंबर या जो मनपसंदीदा नंबर है अगर उसको लेना चाहते हो तो सिंपली उसको आपको परचेज कर लेना होगा। इसके अलावा इस वेबसाइट पर आपको काफ़ी सारी एसेसरीज मिलती है जो आप इसको खुद से देख सकते हैं। सो आज आपने जाना कि किस तरीके से घर बैठे बिना कहीं भाग दौड़ किए, बिना कहीं साइबर कैफे में जाए, बिना कहीं दुकान वाले के पास जाए, आप मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से किस तरीके से आप मोबाइल नंबर को पोर्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।